अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मेरी उन बहन भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करते हैं। आज मैं आपके लिए एक रेमेडी लेके आई हूँ, बहुत आसान और बहुत चटपट तैयार होने वाली। जी देखे, आजकल सीज़न चेंज हो रहा है। सीज़न चेंज होने की वजह से मेरी बहनों के हाथ पैर खुश्क होते हैं और उनको नरम और मुलायम करने के लिए मैं जो रेमेडी लेके आई हूँ, आप इस्तेमाल आप भी कीजिएगा, बनाइएगा तो देखिएगा इंशाल्लाह आप मुझे दुआएं देंगे। चले जी शुरू करते हैं। हाँ जी, क्योंकि ये जो ऐसी रेमेडी है कि आपके चेहरे को, आपके हाथों को ग्लो करता है, तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, हम आपके लिए लेके आए हैं एग। इसका हमने सिर्फ़ और सिर्फ येलो पॉट हमने यूज़ करना है। ये देखें, सिर्फ येलो पॉट हमने यूज़ किया है, ठीक है। इसके साथ है हमारे पास सरसों का तेल, जो आप इस्तेमाल करते हैं, बच्चों के सर पे लगाते हैं, आप भी अपने बालों पे लगाते होंगे बाल बड़े करने के लिए। तो ये हमारे इस पे, हम इस पे 2 चम्मच इनमें डालेंगे, ठीक है जी। 2 चम्मच डालने के बाद इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे, बहुत अच्छी तरह हमने मिक्स करना है, बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है, ठीक है। इनको हमें बना लेंगे क्रीम सी। हाँ जी, हमें 5 मिनट हो गए हैं इनको करे हुए। आप ये देखें, ये आपकी होनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल आपकी क्रीम की तरह बन गई है। इसको हम इसमें अपने ये जो जार है हमारा, इसमें हम डालते हैं बिस्मिल्लाह। इसको लगाने का तरीका क्या है कि आप इसको अपने हाथों पे रात के टाइम, दिन को नहीं, ठीक है, रात के टाइम, दिन को आप इसको लगाएं और अपने हाथों को अच्छी तरह इसको मसल लें। काफ़ी सारा आपने इसको जज़्ब करना है, ठीक है। आपके रिंकल्स ख़त्म होंगे, आपके हाथ की खुश्की ख़त्म होगी, नरम मुलायम हो जाएंगे। आप इसको अपने गर्दन पे भी लगा सकती हैं, क्योंकि गर्दन में भी आपके रिंकल्स आएंगे। तो ये देखें, आप इसको अच्छे तरीके से, इसको अच्छे तरीके से देखें, आप इसको अच्छे तरीके से, इसको अच्छे तरीके से आपने मसाज करनी है। और ये देखें आप, देखें आप, ये इतना नरम मुझे लग रहा है ना, अपना हाथ इतना नरम लग रहा है कि आप अगर इसे रात को लगा के सोएंगी, एक हफ्ता सिर्फ आप लगाएं, आपके इससे रिंगस भी ख़त्म होंगे, जो जिनको आप झुर्रियाँ कहती हैं, हाथ पे आ जाती हैं, गर्दन में आ जाती हैं। तो आप ये लगाएं, आप देख लें मेरे हाथ को, आपको लग रहा होगा कि ये काफ़ी नरम भी हो गई हैं और बिल्कुल नरम मुलायम। ये मेरी उन बहनों के लिए, भाई भी लगा सकते हैं, तो उनके लिए, ये बच्चों के लिए नहीं है, ये बड़ों के लिए है, ठीक है जी। तो आप ये लगाएं और देखें कितना, यानी कि इसमें मेरा हाथ में बहुत नरम आया हुआ है हाथ, ठीक है। आप ये देखेंगे, लगाएंगे खुद तो आपको पता चलेगा। तो इंशाल्लाह मेरी ये रेमेडी किसको पसंद आई हो, मेरी इसको वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अपने प्यारों का ख्याल रखें और मैं तो जा रही हूँ इनको मज़ीद मसाज करने के लिए, आप भी करें और ये रेमेडी को ज़रूर आज़माइएगा। मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।